हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन. दिस इज शिल्पा सरोज. सो आज के वीडियो में हम देखेंगे जो एमपीपीएससी का जो पेपर हुआ है अभी कल, पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे और पूरा इसका आपको आंसर की जो है वो बताएंगे. तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी करते हुए. तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो सेट है ये डी है. ओके, सेट डी है. ये क्वेश्चन जो है आगे पीछे होते हैं सारे सेट में, आप मैच कर लीजिएगा. तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे. सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इंडियन रोबोट नेम व्यो मित्रा. ओके, ये है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन. इसका राइट आंसर होगा आपका इसरो. ओके, इसरो के द्वारा जो है ये इंडियन रोबोट जो है व्योम मित्रा ये डेवलप किया गया है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गार्टनर फोर फेज मैच्योरिटी मॉडल कैन बी अरेंज इन सिक्वेंस. ठीक है, तो मैच्योरिटी मॉडल है तो इसको अरेंज करने का जो सिक्वेंस है वो किस तरीके से होगा. तो देखिए, सबसे पहला होता है इंफॉर्मेशन, किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिलता है, फिर हम इंटरेक्ट करते हैं, उसके बाद ट्रांजेक्शन होता है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है. तो ये जो है गार्टनर फोर फेज मैच्योरिटी मॉडल का सीक्वेंस है. ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी. ओके, ये वाला. चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ. सोशल नेटवर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. सोशल नेटवर्क जो है इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ की तरह, ट्री की तरह, स्टार की तरह, रिंग की तरह. कुछ लोग ग्राफ कह रहे हैं, कुछ लोग ट्री कह रहे हैं, कुछ लोग स्टार कह रहे हैं. तो इसको देखते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर. ठीक है, तो हम जो है ग्राफ पे जाते हैं, ग्राफ रखते हैं इसका राइट आंसर. तो अभी जो है इसको पेंडिंग में रखते हैं. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग उसको रखते हैं, छोड़ देते हैं, ये नहीं रहा कि गलत से गलत बता दिया. वो पढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे. क्वेश्चन नंबर फोर है, IPv6 प्रोटोकॉल डिफाइंस एन IP एड्रेस ऑफ. तो IPv6 जो है आपने सुना होगा, IPv4, IPv6 प्रोटोकॉल. जो IP एड्रेस होता है तो उसको कितना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी. तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, 128 बिट. ओके, तो ये राइट आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर फाइव. क्वेश्चन नंबर फाइव ये कह रहा है कि इट इज अ मेथड ऑफ मेकिंग ऑटोमेटिक प्रेडिक्शन अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ यूजर बाय कलेक्टिंग प्रेफरेंसेस. ठीक है, तो मतलब एक तरीके का मेथड है जिसमें क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ सर्च करते हो गूगल पे, तो ऑटोमेटिक जो जो ऑटोमेटिक जो है, जो आपको देखा होगा आपने कभी कि आप अमेजोन या आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट जब ऑन करते हो, तो आप जब भी कुछ मान लीजिए बैक कवर आपने सर्च किया है, तो उसमें ऑटोमेटिक दिखाने लगता है कि ये बैक कवर वन प्लस का या वीवो का जो है बैक कवर. तो आप सोचते हो कि ये कैसे आ गया भाई, हमने तो मतलब बस को ना बताया ना कुछ. तो वो होता है, उसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग कहते हैं इसको. तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड द लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस. तो लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ की बात करें पॉपुलेशन का 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड. ठीक है, तो आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रॉ मटेरियल फॉर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री. तो कौन सा इसमें से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल नहीं है. ठीक है, नेफ्था, जिप्सम, सल्फर, कॉस्टिक सोडा. तो भैया कॉस्टिक सोडा जो है वो रॉ मटेरियल नहीं है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करें तो. ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ. क्वेश्चन नंबर एट कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टेड मैच. देखिए, क्रीमंजारो का अफ्रीका दिया है, बिल्कुल सही. माउंट मैकिनले कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में, बिल्कुल सही. एकोंगुआ जो है साउथ अमेरिका में है, बिल्कुल सही. एल्ब्रस जो है वो एशिया में नहीं है भैया, वो यूरोप में है. ठीक है, यूरोप में. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्ब्रस. ये जो है गलत मैच किया है इसलिए. क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है कि भाई इधर जो है आपका लिस्ट वन दिया, लिस्ट टू दिया है. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और एग्रीकल्चर रीजन है इधर, और लिस्ट टू में कंट्री दिया हुआ है. ठीक है, तो कौन से कंट्री में भैया ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तो ये देखना है. ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा. ठीक है, बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 जो है वो दिया हुआ है, सामने सामने वही मैच करना है. यानी अर्जेंटीना कॉमर्शियल डेयरिंग फार्मिंग के लिए जाना जाता है, फ्रांस में कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग ज्यादा होती है, डेनमार्क में कॉमर्शियल प्लांटेशन फार्मिंग ज्यादा होती है, और मलेशिया में कॉमर्शियल फ्रूट प्रोडक्शन ज्यादा होता है. ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैव द हायर अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड पावर. विंड पावर के डेवलपमेंट की बात करें तो किस स्टेट के पास है हायर अपॉर्चुनिटीज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी. ओके, तमिलनाडु है, गुजरात. ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इन विच ईयर द लास्ट इलेक्शन ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव इंडियन लेजिस्लेचर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 वाज हेल्ड. ओके, तो कब हुआ था भैया, देखिए जो लास्ट इलेक्शन हुआ था इंडियन लेजिस्लेचर का, जब उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 चल रहा था, तो भैया वो हुआ था 1934. ओके, तो 11 का बी आंसर जो है आपका राइट हो जाएगा. चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, हु वॉज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली.
ओके, तो डिप्टी चेयरमैन बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आप बता दोगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन जो थे बी आर अम्बेडकर जी थे, और डिप्टी चेयरमैन की बात करें तो कौन था? अगर आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ी होगी तो उसमें आप चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन भी पढ़े होंगे। डिप्टी चेयरमैन की बात करें तो एस सी मुखर्जी थे, ओके, डिप्टी चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द मैसेज टू कॉल ज्वाइंट सिटिंग बोथ द हाउस अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, 108 आर्टिकल के अंतर्गत जो भी ज्वाइंट सिटिंग बैठाने का जो प्रावधान है, प्रोसेस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, तो उसके लिए एकदम सही एक्सप्रेशन क्या होगा इसमें से? तो भाई उसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्रीज रिलेटेड टू हैजार्डियस वर्क। सच प्रोविजन इज, तो वो प्रोविजन क्या है? एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है, पार्शियल प्रोहिबिशन है, रीजनेबल प्रोहिबिशन है, मोरल प्रोहिबिशन है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रोहिबिशन। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल 360 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि देखिए जो 368 आर्टिकल है उसको एक बार अमेंड किया गया था 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 के समय, इंदिरा गांधी के समय हुआ था ये। ठीक है, तो ये जो है ये दिया हुआ है ये तो भाई जो है आपका जीएसटी से रिलेटेड है। 101 की बात करें तो जीएसटी से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही गलत हो गया, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? अशोक वन द अवंती महाजन पद एंड मर्ज इन टू द मौर्य एम्पायर ड्यूरिंग बिंदुसार रूल, व्हाट टेक्स्ट डज इट रिफर्स टू। तो भाई क्या उसका मतलब निकलता है? अशोक जो है अवंती महाजन पर जीत लिया था और मौर्य एम्पायर में मिला दिया गया था इसको, जब बिंदुसार जब रूल कर रहे थे उस समय, तो जो टेक्स्ट था उस पर क्या लिखा हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, समंत पशादिका ऑफ बुद्धा घोष। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है अकॉर्डिंग टू चचनामा व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ इंडस कंट्री इन द 6th एंड 7th सेंचुरी। इंडस कंट्री को 6th और 7th सेंचुरी में क्या कहते हैं, ये अकॉर्डिंग टू चचनामा ये बताना आपको। तो कुछ लोग देवल भी लगाए होंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अरोध। ठीक है, राइट आंसर इसका अरोध हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हु इज द क्रिएटर ऑफ मुगल टेक्स्ट मसीर ए आलमगिरी। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साकी मुश्ताक खान। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डज पनाही एंड उपना मेंशन इन द मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो भाई पनाही और उपनाहा की बात करें तो ये मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में इसको डिपिक्ट करता है, मतलब क्या है ये चीज? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा शूज। ओके, जूते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। हु फाउंडेड द आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे देवेंद्र टाइगर लगाए होंगे, किशोर चंद्र सेन लगाए होंगे, राजा मोहन रॉय लगाए होंगे। देखिए तो राइट आंसर आपको बता दूं तो राजा राम मोहन रॉय है। ओके, आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी आप उस चीज को मत मानिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आदि ब्रह्म समाज की बात करें तो यहाँ की जो वेबसाइट है यहाँ से पता किया गया है, तो वो जो है उन्होंने कहा कि भाई आदि ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन रॉय ने फाउंड किया था। ओके, किसने चलाया है, बागे नाम बदल दिया इसका, तो वो सब चीजें अलग है, बट किसने फाउंड किया बात करें तो राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हैज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। तो ऐसे कौन से गवर्नर है एमपी के जो सीएम रह चुके हैं हरियाणा के? तो भैया राम प्रकाश गुप्ता है, राम नरेश यादव है, डॉक्टर बलराम झाकर है, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा जो है ये गवर्नर भी रहे एमपी के, सीएम भी रहे हरियाणा के। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश हैव नॉट हेल्ड द ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इन जो चार ऑप्शन दिया हुआ है तो कह रहे हैं कि इसमें से कौन है अपोजिशन के नहीं है, इसमें से कौन सा सीएम है मध्य प्रदेश के जो अपोजिशन के पार्टी के नहीं है मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 और 2। ठीक है, बाकी ये जो है ये है अपोजिशन के, तो दिग्विजय सिंह एंड मोतीलाल वोरा। ठीक है, तो 1 और 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो बी कैसे? देखिए सबसे पहले होगा ओथ ऑफ फॉर्मेशन, फिर होगा गवर्नर्स एड्रेस, फिर होगा 4 इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिस्टर, फिर होगा मेंशन ऑफ डेथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है हु अमंग द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैज नॉट बीन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन जो है सुप्रीम कोर्ट का जज इसमें से नहीं रहा है?
याद रखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, तो इसमें से सारे ही चीफ जस्टिस हैं, तो कौन जो है इसमें से सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं रहा है, ये पूछ रहा है। नॉट हैव बीन जज एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ए के पटनायक रहे हैं, आर वी रविंद्रम ये भी रहे, आई के माथुर भी रहे, तो जस्टिस एस के झा जो है ये नहीं रहे सुप्रीम कोर्ट के जज। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन म्यूनसिपैलिटी इन मध्य प्रदेश हैज बीन मेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का टी का 1। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 क्या कहता है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ मध्य प्रदेश टी ट्री आर फॉर्म। तो टी ट्री की बात करें तो एमपी का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसमें से कितना परसेंट टी ट्री का टी ट्री पाया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अबाउट 20%। ओके 27 कहता है कि बेतवा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। बेतवा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अरावली हिल, सतपुरा, विंध्या, वेस्टर्न। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विंध्या हिल से। ठीक है, विंध्या हिल से जो है बेतवा रिवर ओरिजिनेट होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, इन विच पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एनुअल वेरिएशन इन टेम्परेचर इज मैक्सिमम। तो कह रहा है कि भाई मध्य प्रदेश का जो एनुअल वेरिएशन होता है तो कौन से पार्ट में जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम होता है, ये बताना आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न। ठीक है, नॉर्दर्न जो है राइट आंसर हो जाएगा 28 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि एवरेज टेम्परेचर इज इंक्रीजेज इन समर इन मध्य प्रदेश। तो डायरेक्शन दिया हुआ किस साइड से जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है मध्य प्रदेश में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी जो है 29 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 30 क्या है, नॉन मेटलिक मिनरल इज, नॉन मेटलिक मिनरल क्या है इसमें से, तो राइट आंसर हो जाएगा मार्बल, मैंगनीज, सिल्वर, लीड, ये सब जो मेटलिक है, और नॉन मेटलिक मार्बल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि देयर आर हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व इन ह्यूमन। क्रैनियल नर्व से कितने पेयर होते हैं ह्यूमन्स में, तो 12 होते हैं। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा, तो 31 का बी जो है वो राइट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 कहता है कि द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट, मे बी अपराइट एंड इन्वर्टेड, ऑलवेज इन्वर्टेड, या कोई भी नहीं। ऑलवेज अपराइट मतलब हमेशा सीधा, तो राइट आंसर यही हो जाएगा 32 का ए। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन देखेंगे। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट MCSG इन फूड इज यूज्ड एज। तो MSG जो है फूड में यूज किया जाता है, तो किस लिए यूज किया जाता है, कलर इन्हेंसर, फ्लेवर इन्हेंसर, प्रिजर्वर, प्रिजर्वर या फिर इमल्सिफायर। तो फ्लेवर इन्हेंसर, ठीक है, स्वाद को बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 कहता है कि द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वॉज मेड इन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ये जो है 2005। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो है वो 2005 में बना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 35 की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज रिलेटेड टू कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस से कौन कौन सा डिजीज रिलेटेड है, तो भैया मार्स, सार्स, कोविड-19, तो सारे ही हैं। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है 36 देखेंगे। 36 कहता है विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का जो टाइप नहीं है, सबसे पहले तो ये जानिए कि प्राइमरी मेमोरी कौन है, सेकेंडरी मेमोरी कौन है। प्राइमरी मेमोरी जो है रैम है, सेकेंडरी मेमोरी रोम है। ठीक है, इसमें से सेकेंडरी मेमोरी कौन नहीं है बोल रहा है, तो रैम जो जब प्राइमरी मेमोरी हो गया तो सेकेंडरी कहाँ से हो जाएगा, तो राइट आंसर यहीं से समझ आ जा रहा है कि भाई जो राइट आंसर है वो रैम होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट ड्राइव जानते हैं आप, हार्ड डिस्क जो है, USB जो है, ये सब तो जो रोम में आएगा, रोम के जो है ये एग्जाम्पल्स है, तो ये राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 37 है, व्हाट इज XML स्टैंड फॉर। XML की बात करें तो ये जो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका 37 का बी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम 38 देखेंगे। 38 का है, माइक्रोवेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रिक्वेंसी एंड रेंज ऑफ। माइक्रोवेव्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, उसमें उसका फ्रिक्वेंसी जो है वो किस रेंज तक होता है। ठीक है, तो 300 किलोहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज, या फिर 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर इतना, और या 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी आपका 38 का सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। 39 कहता है कि ग्लो फिश इज अ टाइप ऑफ, ग्लो फिश जो है वो क्या है, तो ये जो है एक तरीके से डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम है। ठीक है, तो 39 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 है, व्हाट डज पूमा स्टैंड्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोबोटिक्स। तो पूमा की बात करें तो रोबोटिक्स के कंसर्न में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पूमा क्या डिस्क्राइब करता है, पूमा का एब्रिविएशन देखें तो इसका 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। ठीक है, चलिए 41 देखते हैं। 41 है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हाईएस्ट सेक्स रेशियो।
ठीक है, तो कौन से मध्य प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जहाँ पे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है? तो बालाघाट, ठीक है, बालाघाट में जो है 1000 के ऊपर है, तो यहाँ पे जो है आपका हाईएस्ट सेक्स रेशियो। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 कहता है कि ग्रोथ रेट इन क्रॉप सेक्टर ऑफ मध्य प्रदेश फॉर द ईयर 2016-17 इज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34.14, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है 42 का। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल इज ओनली फाउंड इन मध्य प्रदेश, ऐसा कौन सा मिनरल जो सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? विदाउट थिंकिंग सो मच राइट आंसर हो जाएगा आपका डायमंड, ठीक है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 44 है, इन विच सिटी मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम इज सिचुएटेड, ट्राइबल म्यूजियम जो है कहाँ सिचुएटेड है? तो भोपाल में सिचुएटेड है ये, ठीक है, राइट आंसर भोपाल हो जाएगा, यानी 44 का सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के है। 45 कहता है कि आकांक्षा स्कीम इज रिलेटेड टू, देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ कोचिंग फॉर शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, या फिर स्पोर्ट्स के लिए, या फिर शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए, या फिर कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका कोचिंग फॉर शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए लोगों को आकांक्षा स्कीम जो है प्रोवाइड किया गया है। 45 हो गया, अब देखते हैं 46। 46 कहता है कि पन्ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर विच मिनरल, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है भाई, डायमंड के लिए फेमस है और क्या, तो 46 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 47 देखेंगे, 47 क्या कहता है कि चांबल कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, कौन से बेसिन से रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना बेसिन, ठीक है सी, 47 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 48, जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, तो जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है वो कौन से रिवर पर सिचुएटेड है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांबल, ठीक है, चांबल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 49, 49 क्या कहता है, मेन क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का मेन क्रॉप क्या है? तो भाई वीट है, बहुत इजी। अब नेक्स्ट देखेंगे 50 कहता है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कमर्शियल क्रॉप, कौन सा कमर्शियल क्रॉप नहीं है? तो शुगर कान तो है कमर्शियल क्रॉप, कॉटन भी है, बनाना भी है, तो कौन सा नहीं है? बाजरा, ओके, तो 50 का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 51 पे। 51 कहता है कि मैच द फ्लोइंग स्टेट्स एंड देयर रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर हु बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इनका गुजरात हो गया, चरण सिंह की बात करें तो ये अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश, ठीक है, एस डी देवगौड़ा ये कर्नाटक के हैं, मोरारजी देसाई बॉम्बे, नरसिम्हा राव अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो ए का सेकंड, बी का फाइव, ठीक है, तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। चलिए 52 में देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ जज कैन बी अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो किस तरीके के जो जज हैं अपॉइंट किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में? तो भाई एडहॉक जज, सिर्फ एडहॉक जज, ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ए इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, नॉट एडिशनल जज। अब बात करेंगे 53 के, 53 क्वेश्चन क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ महारत्न लिस्टेड जनवरी 2020 बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो किसको जो है मतलब जो है इस कैटेगरी में महारत्न से हटा दिया गया है? सीधी सी बात है, तो भाई ऑयल इंडिया लिमिटेड को, ठीक है, OIL को जो है हटा दिया गया है इसमें से, तो अब जो है सिर्फ भेल है, कोल इंडिया लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, और भी सारे हैं, सेल है, ठीक है, तो इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। 54 कहता है द कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट इज को चेयर्ड बाय हु, तो कमिटी फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट का को चेयर्ड कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा आपका, 54 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। 55 क्या कहते हैं कि ऑन विच डेट द ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NFCs 2018 वॉज इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 फरवरी 2018। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मतलब याद करना मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आने हैं MPSC में, हमेशा आता है कि आपसे डायरेक्ट डेट पूछ लेता है, बताइए डेट, इतने याद करना ईजी नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। इन फेबरवरी 2021 विच नेबर कंट्री फेसेस अ कूप, ठीक है, तो कूप जो है हम जब ये मैंने बताया था आपको, आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है, हमारा पोस्ट वहाँ पे आप देख सकते हैं, उसमें जो है मैंने इसको कंप्लीट किया था पूरा। तो ये जो है ये हुआ था म्यांमार में, ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ की सेक्रेटरी ये यहाँ पे कूप कर दी थी, ठीक है। अब बात करेंगे 57 की। 57 क्या कहता है कि वेयर डज हेडक्वार्टर
ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज सिचुएटेड. तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो लॉसाने में सिचुएटेड. ठीक है, 57 याद रखिएगा, इंडियन ओलंपिक कमेटी है यहाँ पे. ठीक है, तो लॉसाने में. 57 का राइट आंसर बी हो जाएगा. चलिए 58 की तरफ बढ़ते हैं. 58 कहता है कि हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल. ठीक है, तो ये मैंने अभी जल्दी में ही बताया था. तो ये राइट आंसर हो जाएगा कर्णम महेश्वरी. ओके, कर्णम महेश्वरी ये जो है, मैंने आप इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे बहुत ही स्टैंडर्ड अपडेटेड जो आपको करंट अफेयर्स है वो मिलते रहते हैं, तो उसी में से क्वेश्चन जो है फंस गया है. ठीक है, कर्णम मलेश्वरी. ओके, क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे. विच ऑफ द हाइस्ट अवार्ड गिवन बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू स्पोर्ट्स कोच मेंशन बिलो. तो यहाँ पे लोग काफी हो जाएंगे, कहेंगे कि लोग विक्रम अवार्ड है, क्लब अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है. तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विश्वमित्र अवार्ड. ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वमित्र अवार्ड. तो डी का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका विश्वमित्र अवार्ड. अब बात करेंगे 60 का. 60 का राइट आंसर क्या है? 60 का राइट आंसर है मध्य प्रदेश आर्चरी अकेडमी इस्टेब्लिश्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर इंस्टीट्यूट नेम. तो कहाँ पे आर्चरी अकेडमी इस्टेब्लिश्ड? तो याद रखिएगा जबलपुर. ठीक है, चलिए क्वेश्चन 61 की तरफ बढ़ते हैं. 61 क्या कहता है कि पहला ऑप्शन है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल टू ऑडिट ऑल रिसीट व्हिच आर पेबल इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. बिल्कुल सही. द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शैल हैव अथॉरिटी टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन द अकाउंट ऑफ स्टोर्स और स्टोर kept in an office or department of the union or state. ठीक है, तो बोथ जो 1 और 2 है वो राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी 61 का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा. अब 62 देखेंगे. 62 कहता है कि हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. बहुत ही ईजी, अरविंद पनगड़िया ये जो है फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के. ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63. 63 कहता है कि विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द कमिटी टू रिकमेंड नेम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन. तो ह्यूमन राइट कमीशन के लिए कौन से अपॉइंट, मतलब कौन जो कमेटी है इसमें रिकमेंड नहीं किया करती है, मतलब अपॉइंटमेंट. तो सीएम तो करती है भाई, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी करती है, इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स भी करती है, गवर्नर नहीं करती. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 63 का डी. ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ. 64 कहता है कि विद इन हाउ मेनी डेज एन अपील कैन बी मेड बाय एन एग्रीव पर्सन बाई डिसीजन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल टू द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, NGT की बात करें तो कितना दिन जो है एक अपील कर सकता है एग्रीव पर्सन NGT के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को? तो 90 डेज. ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64 का डी हो जाएगा राइट आंसर. अब 65 देखेंगे. विच अंडर विच लॉ द स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टेट फूड कमीशन कब इस्टेब्लिश किया गया, किस लॉ के अंतर्गत? तो भाई बहुत ईजी है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. इतनी बार आप पढ़े होंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा क्या होगा कि जो डेट है वो क्या होगा. ठीक है, तो 65 का ए राइट आंसर हो जाएगा. अब हम बढ़ेंगे 66 की तरफ. 66 का क्या है? हु वॉज अ फाउंडर, हु वॉज अ ओरिजिनल फाउंडर ऑफ भोपाल स्टेट. जो भोपाल में रहते होंगे तो उनके लिए तो बहुत ईजी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दोस्त मोहम्मद खान. ठीक है, 66 का ए राइट आंसर हो जाएगा. अब बढ़ते हैं 67 की तरफ. 67 क्या कहता है कि वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ वीर राजा वीर सिंह देव. ठीक है, तो जो कैप्टन है राजा वीर सिंह देव की, उनकी राइट आंसर क्या हो जाएगा इनका? देखिए यहाँ पे कुछ कुछ लोगों का कन्फ्यूजन होगा. तो यहाँ पे नैरो की गर्दी जो है, नैरो की गर्दी अभी हम रखते हैं इसको पेंडिंग में रखते हैं, इसका कुछ होगा यहाँ पे, इस पे जो है अभी पेंडिंग में रखते हैं इसको. ठीक है, कुछ हो सकता है यहाँ पे. ठीक है, नैरो की गर्दी पे कहेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी इसको रखते हैं, इसको नहीं बताते हैं, वेट कर लेते हैं आंसर की का. ओके, ऑफिशियल आंसर की का. अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ. 68 क्या कहते हैं कि हु सेड दैट विक्ट्री ऑफ मांडू वॉज द की ऑफ विक्ट्री ऑफ साउथ. तो किसने कहा अगर हमने मांडू जीत लिया तो साउथ का जो रास्ता है वो खुल जाएगा? ये कहा था अमीर खुसरो ने. ठीक है, बहुत लोगों ने मलिक काफूर लगाया होगा, तो अलाउद्दीन खिलजी की बात किया था, वहाँ पे दक्षिण को जीतने की बात किया था, तो वो नहीं है, यहाँ अमीर खुसरो ने कहा था. ठीक है, 68 का डी राइट आंसर हो जाएगा. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ. भीमबेटका वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो भीमबेटका जो है सी डॉक्टर विष्णुधर वकांकर ने डिस्कवर किया था भीमबेटका की गुफा. ठीक है, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है कि हु वट विच इज द मोस्ट कॉमन ट्राइब इन मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश का मोस्ट कॉमन ट्राइब क्या है? नो डाउट भील. ठीक है, तो याद रखिएगा 70 का सी आंसर हो गया राइट. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि देखिए मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, एक साइड ग्रास लैंड दिया है, एक साइड कंट्रीज दिया है. ठीक है, तो ग्रास लैंड दिया, तो यहाँ पे देखिए स्टेपिस का, अगर आपको स्टेपिस का पता होगा तब भी आप लगा लेंगे, तो देखिए स्टेपिस का 3 दिया हुआ है, स्टेपिस का 3 दिया है. ठीक है, यानी ए का 3, ए का 3 देखिए यहीं से मिल गया आपको, अगर एक भी पता होगा आपसे तो आप कर लो जाओगे. 3 1 2 4
सामने वाले को नहीं पता है ना कि भाई आपको कौन सा पता है, क्या पता किसी को एरीज का पता हो, वेड्स का पता हो, डाउन्स का पता हो, तो इस तरीके से होता है। स्टेपिस का 3 है, तो पेरेडिस का क्या हो जाएगा यूएसए, और उसके बाद वेड्स का हो जाएगा साउथ अफ्रीका, फिर डाउन्स का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो गया आपका। उसकी तरफ क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द मैक्सिमम एरिया अंडर टीक फॉरेस्ट इंडिया। तो नो डाउट मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे ज्यादा सागौन के वृक्ष यहीं पे पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 73 है, क्वेश्चन नंबर 73 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा इसमें से करेक्टली मैच नहीं है। तो अंशी नेशनल पार्क कर्नाटक में है, बिल्कुल। बालपाक्रम नेशनल पार्क मेघालय में है, बिल्कुल। चंदोली नेशनल पार्क गुजरात में नहीं है, चंदोली नेशनल पार्क जो है वो महाराष्ट्र में है, और हिमेश नेशनल पार्क लद्दाख में है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन 74 है, विच इज नोन एज स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिलेट। तो किसको मतलब स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिलेट्स कहा जाता है, तो इसको कहते हैं छोटा नागपुर प्लैटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग कर लिए होंगे, कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे। वही है ना कि मतलब जैसे अगर आपको लग रहा है कि ईजी है, कुछ लोगों के लिए ईजी हो, वही कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है। 74 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 75 देखते हैं। देखिए दो ऑप्शन दिया, सरसन रीजन, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश आर मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, बिल्कुल। द वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, 10 डिग्री टू 15 डिग्री टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर एंड अबाउट 75 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल आर नेसेसरी फॉर वीट प्रोडक्शन। तो दोनों ही सही है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। पद्मश्री भूरीबाई फेमस फॉर, पद्मश्री भूरीबाई जो किसके लिए फेमस थी, तो पेंटिंग के लिए फेमस है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ए, पेंटिंग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि कैलाश सत्यार्थी बॉर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो कैलाश सत्यार्थी जो है वो विदिशा डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 77 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 78 क्वेश्चन। 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो जो है रीवा में है इसको खोला गया है, इसको इसको जो न्यू यहाँ पे लॉन्च किया गया है 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। ठीक है, रीवा में। राइट आंसर 78 का बी हो जाएगा। अब देखेंगे 79 क्या कहता है। फोंग फुई नेशनल पार्क इन मिजोरम आल्सो नोन एज विच ऑफ द फ्लोइंग। देखिए फोंग फुई नेशनल पार्क की बात करें मिजोरम में, तो उसको एक और नाम से बुलाया जाता है, तो क्या बोलते हैं उसको, ब्लू माउंटेन पार्क। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 79 का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट, इन फैब 2021 प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट विच सेनेटरी सेलिब्रेशन। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो काफी घुमा के दिया है, ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकता था लेकिन नहीं पूछा, और ऑप्शन भी काफी नजदीक नजदीक दे दिया है। जैसे जलियांवाला बाग सेनेटरी है, तो ये तो अप्रैल में हुआ था, 13 अप्रैल तो होगा नहीं। चोरी चोरा, अगर आप नॉन कॉपरेशन में नहीं जान पा रहे हो, तो चोरी चोरा तो आपको पता होगा ना कि 5 फैब को हुआ था, और चंपारण तो 1927 मार्च में हुआ था। तो फैब यहाँ बोला इन फैब 2021, तो फरवरी में जब चोरी चोरा बचा, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, चोरी चोरा सेनेटरी सेलिब्रेशन किया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। देखिए क्वेश्चन 81 कहता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज पेड द सैलरी इक्वल टू द सैलरी ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल। The term of Chief Election Commissioner of Election Commission of India shall be the period for shall be of for a period of 6 years from the date of assuming office or till the age of 65 whichever comes for year. ठीक है, 6 और 65 साल मिलता है, तो बिल्कुल सही, राइट आंसर ये राइट है। An election commissioner may at any time by writing under his hand address to his Chief Election Commissioner resign his office. तो भाई इनको जो है Chief Election Commissioner को ही resign करना, तो ये जो है Election Commissioner इनको नहीं देंगे, मतलब इनको address नहीं करेंगे, President को address करेंगे। ठीक है, तो ये जो है रॉन्ग हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ 1 और 2, यानी ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 81 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। विच लिस्ट एन एंट्री ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। देखिए अब यहाँ पे देखिए काफी वैसा क्वेश्चन है घुमा के दिया है, जिसमें काफी अच्छे से पॉलिटी नहीं पड़ी है, तो वहाँ उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिस्ट 1 के एंट्री 72 में ये बात करता है कि जो लेजिस्लेचर है स्टेट का, जो लेजिस्लेचर है उसका इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि द मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन। अब देखिए डायरेक्ट डेट ही पूछ लिया है, तो ये काफ़ी अजीब क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 1994। ठीक है, 83 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। 84 है, अ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन मे बी एस्टैब्लिश फॉर टू और मोर स्टेट्स। ठीक है, राइट आंसर क्या है, इफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स एग्री इन दिस रिगार्ड पार्लियामेंट अपॉइंट जज जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बाई लॉ। ठीक है, तो बोथ ए और बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 84 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे 85 की तरफ। 85 क्या कहता है कि अंडर विच प्रोविजन द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो कौन से प्रोविजन के अंदर मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को गठन किया गया था, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा तो बी। ठीक है, सेक्शन 118 का क्लॉज 3 ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
86 व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ नेशनल पोएट बाल कवि बैरागी. बाल कवि बैरागी का जो नेशनल पोएट है उनका रियल नाम था नंदराम दास. नंदराम दास जो है राइट आंसर हो जाएगा 86 का. ओके अब बढ़ते हैं 87 की तरफ. 87 क्या कहता है, इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश द परिक्रमा ऑफ 7 सी 9 नारायण एंड 84 महादेवा इज कम्प्लीटेड. तो भाई ऐसा कौन सा मध्य प्रदेश का सिटी है जहाँ पे 7 समुद्र का परिक्रमा होता है, 9 नारायण का और 84 महादेव का जो पूरा हिसाब किताब कम्प्लीट होता है, तो उज्जैन में. ठीक है राइट आंसर क्या हो जाएगा 87 का डी. अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ. 88 क्या कहता है, 88 कहता है कि द पोइट ऑफ किंग भोज हु एक्सेप्टेड जैनिज्म वाज. कौन सा पोइट है किंग का, किंग भोज का, जिसने जैनिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था. तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा धनपाल. ठीक है नेक्स्ट है 89. इट वाज आल्सो एंशिएंट नेम ऑफ वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सांची. तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सांची का, एंशिएंट नेम क्या है, ककनाम. ठीक है ककनाम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 89 का ए. नेक्स्ट देखेंगे व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ तांतिया भील. तांतिया भील का एक्चुअल नेम क्या था, तांतिया. ठीक है काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज हो गए होंगे, गणपत भी लगा दिए होंगे कुछ लोग बिजानिया भी लगा दिए होंगे, तो इस तरीके से होता है कन्फ्यूजन हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए. ठीक है तांतिया. नेक्स्ट देखेंगे 91 है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ऑफ जेनेटिक कोड. इसका राइट आंसर हो जाएगा सारे ही. ठीक है ऑलवेज यूनिवर्सल बिल्कुल, ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियर बेसिस करेस्पॉन्डिंग टू 20 एमिनो एसिड, राइट है ये. उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 कहता है कि वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी सिचुएटेड. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो पुणे में है सिचुएटेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी. अच्छा नेक्स्ट देखेंगे 93 द टास्क फोर्स ऑफ ब्लू इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन कोलाबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री. तो ये ब्लू इकोनॉमी जो टास्क फोर्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, ये कोलाबोरेशन किया गया था इंडिया और नॉर्वे के बीच में. ठीक है नॉर्वे की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आए थे यहाँ पे, और उसके बाद जो है ये मतलब जो एग्रीमेंट हुआ था यहाँ पे. ठीक है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 है द हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मैंगो डेवलप्ड फ्रॉम क्रॉस ऑफ नीलम एंड अल्फांसो. ठीक है तो यहाँ पे जो है क्रॉस वैरायटी बनाया गया नीलम अल्फांसो को मिलाकर, तो हाइब्रिड वैरायटी बना मैंगो का, क्या नाम है उसका, आम्रपाली. ठीक है 94 का ए. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 95 है व्हाट इज द मेन एम ऑफ जनानी सुरक्षा योजना ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन. राइट आंसर हो जाएगा रिड्यूसिंग मैटरनल एंड नियोनेटल मॉर्टलिटी. ठीक है बाकी सारे नहीं होंगे. तो नेशनल देखेंगे 96 क्या है. इंडियन नेशनलिस्ट इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी वाज इन एम्ब्रियोनिक स्टेज वाज अ हिस्टोरियन विद रिगार्ड टू द फैक्ट. तो किसने कहा कि भाई इंडियन नेशनल जो है मतलब 19th सेंचुरी के मिडल में, जो मिडल में है वो भी वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है. तो डॉक्टर आर सी मजुमदार एंड डॉक्टर एस एल सेन ने कहा था. ठीक है बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि हु वॉज अ करस्पॉन्डेंट ऑफ न्यूज पेपर टाइम्स पब्लिश फ्रॉम लंदन 1947 रोट दैट नो बडी इन द नॉर्थ इंडिया लुक्स एट व्हाइट मैन मैंस कार विथ फ्रेंडली. तो किसने कहा था, डब्ल्यू एच रूसेल. ठीक है राइट आंसर हो जाएगा 97 का ए रूसेल. अब हम बढ़ेंगे 98 की तरफ. 98 कहता है हु स्पीक्स ऑफ इंडिया सेल्फ रिलायंट सोशल सिस्टम द रूलर सिस्टम इन इंडिया इज टिनी रिपब्लिक. ये किसने कहा, तो चार्ल्स मेटकेफे ने कहा था, ये राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है 98 का ए राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी वेर एस्टैब्लिश्ड बाई द 1956 स्टेट रिस्ट्रक्चरिंग एक्ट. सबसे पहले की बात करें, अगर हम 1956 की बात करें तो सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि 1953 में जो है आपका रीऑर्गनाइजेशन एक्ट आया था. ठीक है लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट रीऑर्गनाइजेशन कमीशन आया था यहाँ पे. तो 1953 में तो ऑब्वियसली बात है 1956 के जब उसके बाद जब गठन हुआ 1956 में जब चेंजेस किया गया, तो 14 स्टेट सबसे कम जो थे 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज का बनाया गया था. ठीक है उसके बाद फिर जो बढ़ते बढ़ते गया तो अभी जो है 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हो गए. नेक्स्ट देखेंगे 100 क्वेश्चन क्या है. व्हेन वाज अ स्पेशल राइट एंड प्रिवी पर्स एंजॉयड बाय द इंडियन प्रिंसली स्टेट अबॉलिश्ड. क्या अबॉलिश कर दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1971 में जो अबॉलिश कर दिया गया था स्पेशल राइट एंड प्रिवी पर्स जो कि इंडियन प्रिंसली स्टेट के द्वारा एंजॉय किया जा रहा था. ठीक है तो ये हो गए स्टूडेंट्स और ये हो गए आपके एमपीपीएससी के एनालिसिस. इसमें 2-3 क्वेश्चन जो है ऐसे इधर उधर हो सकते हैं जिसमें डाउट हो सकते हैं, बाकी आपका सारा ही सटीक है. अब आगे देखेंगे कि कितना जो है कट ऑफ कितना जा सकता है और प्रीवियस ईयर के क्या कट ऑफ रहे हैं वो देखते हैं. तो देखिए ये चार्ट देख रहे हैं आप, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ है इसमें, तो 15, 16, 17, 18, 19 का दिया हुआ है. 15 की बात करें तो सबसे ज्यादा मतलब 2016 में सबसे ज्यादा था. ठीक है 162 और 2015 की बात करें तो 156 था. फिर 2017 में कम हुआ 138 हुआ. 2018 में 138 कॉमन था. 2019 में 146 था.
ठीक है, और मेल फीमेल का ज्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा 2-3 नंबर कम होते हैं, ठीक है। बाकी ओबीसी का 146 ऐसा था, आप देख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। देखिए हम जनरल की बात करेंगे, सारे कैटेगरी पे नहीं जाएंगे, तो देखते हैं अब आगे देखेंगे कि हम जो अभी का कट ऑफ है, यानी 2000 जो अभी हुआ एग्जाम 25 को, उसका क्या कट ऑफ बन सकता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर का जो भी एजम्पशन था उसके हिसाब से जो एनालाइज करके ये बनाया गया है, ठीक है। तो इसी के इर्द गिर्द जो है आपका जो अप्रॉक्स रहेगा, ठीक है। तो जनरल का 146 से 148 मेल में, 142 से 144 फीमेल मार्क्स हो सकता है आउट ऑफ 200, ठीक है। और ओबीसी का 146 से 148, और एससी का 140 से 142, एसटी का 138 130, और ईडब्ल्यूएस का 136 से 138, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है वीडियो खत्म होता है। अगर आप अपना बताइए आपके मार्क्स कितने आए, आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि जो इंपॉर्टेंट आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक मिलते रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।